उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इस क्रम में आज भी हजारों अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के गेट पर धरना देने के लिए बैठ गए और जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना पर फोर्स के साथ पहुंचे एसीपी सत्येंद्र तिवारी ने आयोग गेट के साथ रास्ते को बंद कर दिया। इस दौरान प्रतियोगी अभ्यर्थियों को एसीपी समझाते नजर आए, लेकिन वे दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग पर हंगामा करते रहे। दरअसल प्रयागराज में आरओ और एआरओ अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको यहां बता दें कि बीते दिनों आरओ और एआरओ का पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर छात्र लोक सेवा आयोग के गेट पर पहुंचकर पेपर रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आयोग की तरफ से नोटिस जारी कर पेपर लीक होने के साक्ष्य मांगे गए थे। इस बीच प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मांग है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराया जाए। आगे कहा कि उन्हें साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर पहले से ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल 11 तारीख को जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ, उस पर पहले छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से, इसके बाद मेल के माध्यम से और अलग अलग तरीकों से अपना निवेदन भेजा, पर आयोग और यह शासन कान में तेल डालकर बैठा हुआ है। तब से हम लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। इन्होंने हमारे डेलीगेशन को 2-3 बार बुलाया, पर अंदर जाने पर बहुत ही रूडली बात किया। हमारी महिला साथी अभ्यर्थी जो हैं, जो रो पड़ी, उनको कह रहे हैं कि आप नेतागिरी कर रही हैं। उनसे कहा गया कि हम उत्तर कुंजी जारी नहीं कर रहे हैं इंटरनल जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक, एसटीएफ की रिपोर्ट आने तक हम उत्तर कुंजी जारी नहीं कर रहे हैं और ना ही हम परीक्षा का परिणाम जारी कर रहे हैं। पर जब ये बातें हम लोग लिखित में मांगे तो हमसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं आयोग के अधिकारी, कह रहे हैं आप नेतागिरी कर रहे हैं। आप अनवरत आंदोलन चलता रहेगा, हम लोग यहाँ अनशन करेंगे, आमरण अनशन तक करेंगे, कोर्ट का भी सहारा लेंगे, लेकिन आंदोलन का रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और यहाँ क्रमिक अनशन चलेगा, आमरण अनशन तक ले जाएंगे। चूंकि सर्वविदित है पेपर लीक हुआ है, एक दिन पहले से लेकर 2 घंटे पहले तक पेपर टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर वायरल हुआ है, ऐसे में हम कतई मानने को तैयार नहीं है, पेपर लीक रद्द होना चाहिए। अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है और 10 दिन से यहाँ लगातार धरने पर हम लोग बैठे हैं, जिसकी सुनवाई अभी तक अध्यक्ष जी नहीं कर रहे हैं और यहाँ रात भी हो जाती तब भी नहीं आते हैं। उनके आवास पे भी हम लोग गए हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आयोग से कोई भी बाहर मिलने के लिए नहीं आता है। क्या हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, ये परीक्षा को निरस्त की जाए जो 11 फरवरी को हुई है। कोई मिलने को नहीं तैयार है, कोई नहीं सुनने को तैयार है। आगे हम लोग का यही निर्णय है कि बाहर निकले, हम लोगों से बातें करें और परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम की नोटिस जारी करें।